जय हिंद मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। भाजपा जिलापाध्यक्ष व MD पशुपतिनाथ सीतगढ़ जैतपुर ब्रजेश चौहान के द्वारा हसैन कोतवाली प्रभारी DK सिसोदिया का पुष्पमाला पहनाकर किया स्वागत सम्मान। वहीं कोतवाली परिसर में ब्रजेश चौहान द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को खाद्यान्न का वितरण भी किया गया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी DK सिसोदिया ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर SSI राकेश यादव, SI विनोद कुमार मिश्र, SI तेजेंद्र प्रताप सिंह, SI CP सिंह, SI रामाधार यादव, कांस्टेबल राहुल आदिका, विपन लाल, अनिल जादौन, अमन गुप्ता, अरुण कौशिक, प्रशांत कुमार, दीपक उपाध्याय, चंद्र प्रकाश माहौर, रोहतास माहौर आदि ने पुष्पमाला पहनाकर किया स्वागत सम्मान। अपील की जाती है, कोरोना एक भयंकर बीमारी है, इसमें लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, जब भी घरों से निकलें मास्क, दस्ताने, मास्क नहीं है तो रुमाल बांध लें, गमछा बांध लें, जितनी बार जो भी काम करें बार बार कम से कम 15-20 बार हाथ धुलें, सैनिटाइज से धुलें या साबुन से धुलें, रगड़ रगड़ के कम से कम 2 मिनट 15-20 बार करना है। जिस किसी को घर में कोई प्रॉब्लम, सांस की लेने में परेशानी, खांसी आ रही हो, बुखार आ रहा हो, तो उसकी तत्काल सूचना दें, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। आपके यहाँ पर कोई रिश्तेदार या बाहर का कोई आदमी आता है उसकी भी तत्काल सूचना दी जाए, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से वायरस लेकर आ जाए। अपने यहाँ पर अभी ये नहीं फैला है, इसलिए इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाजार में कम से कम निकलें, जो समय दिया गया उसी समय में निकलें, और परिवार से एक आदमी से काम चल जाता तो एक ही निकले, बेवजह ना घूमें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो कर, लॉकडाउन का सहयोग करो। जो ज़्यादा घूमोगे तो बीमारी के लक्षण आने लगेंगे, और जितना भी घर में रहोगे, ज़्यादा ज़्यादा रहोगे, दूरी बना के रहोगे, सबसे अच्छा ये है इसमें। ठीक है, आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो लॉकडाउन में, और हाथों को बार बार धुलते रहो, आँख नाक मुंह पे बार बार हाथ मत लगाओ, इससे भी बीमारी फैलती है। और जो भी गले में कोई प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम हो तो उसको तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।